कांग्रेस को पक्का पता है कि कर्नाटक के लोग उसे सत्ता में नहीं आने देंगे, इसलिए वो बड़े बड़े झूठे वायदे कर रही है। जितनी बड़ी राशि और गारंटी की बात कांग्रेस कर रही है उसमें तो कर्नाटक का खजाना भी खाली हो जाएगा, फिर भी गारंटी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऐसी गारंटी सिर्फ बोलने के लिए है, बोली जा रही है। ये गारंटी अगर पूरी करनी है तो राज्य के विकास के सारे काम बंद कर देने पड़ेंगे, आपके बच्चों के भविष्य के पैसे वो खा जाएंगे, खर्च कर देंगे। इसके लिए एक काम कांग्रेस और करेगी, कांग्रेस भाजपा की सारी योजनाओं को रिवर्स गियर में डाल देगी। गरीब कल्याण की योजनाएं बीजेपी ने शुरू की है, उन्हें कांग्रेस बंद करने में तैयारी में है। बंधुगण, कर्नाटक जनते यावत्तू कूड़ा कांग्रेस अन्ना मत्ते अधिकार के तरोदिल्ल अंत गोत्तिदे। अदक्कागि अवरु ई सुळ्ळिन ग्यारंटिगळन्नु कोड्ता जनरिगे दिक्कु तप्पिसुवंत केलसवन्न अवरु माड्तिद्दारे। इवरु कोडो ग्यारंटिगळ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿರುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿರುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ತಡೆಯನ್ನ ಕೆಲಸವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೈತ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾಯಿಯವರ ಬಹಳ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೇಕರ್ ಆಪ್ಸೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಂಗ್ ರಹಿ. लेकिन कांग्रेस के पास दो ही मुद्दे हैं, एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिर बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है. कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ. कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है. मुझे तो ये 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं. इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब जैसे देखा है. कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था. उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है. बंधुगणे, भारतीय जनता पार्टी ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಬಯಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಯ್ಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನನಗೆ ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾಯಿಯವರ ಬಹನೋ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಹರ್ ಕೋನೆ ಮೇ ಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಲ್ ಕೋ ಜಡ ಮೂಲ ಸೆ ಉಖಾಡ ಕೆ ಫೇಂಕನಾ ಹೈ और विकसित भारत के अमृत काल को हिंदुस्तान के हर कोने में लाना है. कर्नाटक से भी भ्रष्टाचार काल जाना चाहिए और कर्नाटक में अमृत काल लाना है. आजादी के 100 वर्ष होंगे तब विकसित भारत बनाना ये हमारा संकल्प है. ये संकल्प तभी सिद्ध होगा जब कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी. आपको 10 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है. आपको याद रखना है ये कार्य निर्धारण.
बारिया निर्धार आपको बूथ बूथ तक घर 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 जाना है। जाएंगे, हर एक बूथ में जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताए जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर मतदाता को मिलेंगे, बीजेपी को वोट देने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, बूथ को जीत करके लाएंगे, एक भी बूथ हारेगा नहीं ना, पक्का जीतेंगे। अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, मेरा काम करेंगे, जरा जोर से बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे। अच्छा, अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगा के बताइए, मेरा काम करेंगे, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जला के बताइए, एक मेरा काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम करेंगे, पक्का करेंगे। तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्या काम करने का, घर घर जाइएगा, सभी मतदाताओं को नमस्कार कीजिएगा और उनको कहिएगा, उनको बताना है, सुन लीजिए, हर मतदाता को कहना है, आपके सेवक दिल्ली से मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आकर के आपको नमस्कार भेजा है, आपको प्रणाम कहा है। क्या कहेंगे? घर घर जाकर के मेरा नमस्कार कहेंगे, घर घर जाकर के मेरा प्रणाम कहेंगे। आप सबको जब मेरा नमस्कार कहेंगे, आप सबको जब मेरा प्रणाम कहेंगे, तो लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद मेरी ताकत बन जाता है और उस ताकत से मैं दिन रात लोगों की सेवा कर सकता हूं, कर्नाटक की सेवा कर सकता हूं। इसलिए घर घर जाएंगे, जोर से बोलिए जाएंगे, हाथ ऊपर कर करके बोलिए जाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।